हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आज मैं आपके साथ मेरा नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल से आने के बाद मैंने उनको नाश्ता करवा लिया, और नाश्ता हो जाने के बाद फिर से बर्तन जमा हो गए थे, तो मैंने सारे बर्तनों को धो दिया है। और अभी यहाँ पर बालकनी में मैंने स्टैंड रखा है, तो मैंने बर्तन धोने के बाद उसमें मैं रख देती हूँ। जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक ये बर्तन सूख जाते हैं, और फिर जो दूसरे बर्तन होते हैं तो ये सूखे हुए बर्तनों को फिर मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। आज सब्जी में मैं शिमला मिर्च आलू की बनाऊंगी, और बीन्स और आलू की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। तो जिसके लिए मैंने शिमला मिर्चों को और बीन्स को काट के रख दिया है, और अभी मैं आलूओं को अच्छे से धो के उन्हें छील के फिर से धो के फिर सब्जी काटने के लिए ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से धो दिया है और छील दिया है, और उन्हें मैं बारीक बारीक ही पतला पतला ही काट लेती हूँ, ताकि सब्जी जल्दी से पक भी जाए। और खाने में है ना, इस तरीके से आप आलू काटोगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। पतले पतले आलू जब भी हम काट के सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी खाने का मज़ा ही बहुत अलग होता है। यहाँ पर अभी बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं, तो बेटा पूछ रहा है मम्मी कौन सी सब्जी बना रहे हो, तो बस मैं उनको वही बता रही हूँ, आज शिमला मिर्च और बीन्स की सब्जी बनेगी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई और कुकर रख दिया है। मेरे पास एक ही कढ़ाई है, तो मैंने एक कढ़ाई रखी है और दूसरा छोटा वाला सा कुकर रख दिया है। कढ़ाई में तेल गरम होते ही मैंने उसमें राई, जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, और उसमें मैंने बीन्स और आलू को डाल के और हींग पाउडर डाल दिया था, और उन सबको अच्छे से मैंने मिला दिया है। कुकर के अंदर मैंने राई, जीरा और हींग पाउडर डाला, और शिमला मिर्च और आलू को डाल के उन्हें अच्छे से मिला दिया, और ढक ढक के मैं उन्हें पका लूँगी। यहाँ पर अभी मैंने आटा ले लिया है, तो अभी मैं आटा भी साथ ही साथ गूंथ के रख दूँगी, ताकि सब्जी और भाखरी मैं फटाफट से सबको खाने के लिए दे पाऊँ। तो बस यहाँ पर आटे में मैंने नमक और मोयन डाल दिया है, और इसे अच्छे से मैं मिला दूंगी, ताकि आटे में तेल और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और सुबह मैंने पूरी का आटा गूंथा था, तो पूरी का आटा भी मैं यही आटे के साथ अच्छे से फिर से बांध लूंगी, ताकि पूरी के आटे की भाखरी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैं ये दोनों आटे मिक्स करके एक ही आटा तैयार कर लूंगी। तो मैं पूरी के आटे को छोटा छोटा इस तरीके से तोड़ के आटे में अच्छे से मिला रही। यहाँ पर बीन्स की जो सब्जी थी उसे मैं एक बार देख रही हूँ कि आलू थोड़े से गले हैं कि नहीं, अगर गले हुए तो मैं उसमें मसाला कर दूँ, लेकिन आलू गले नहीं है, इसीलिए मैंने उसे फिर से पकने के लिए रख दिया है। और जो कुकर में मैंने शिमला मिर्च आलू रखे थे पकने के लिए, तो उसे भी मैंने फिर खोल के देख लिया है, तो आलू मुझे थोड़े से गले हुए लग रहे हैं, तो अभी उसमें मैं सारे मसाले कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था, और उसके बाद उसमें सारे सूखे मसाले हमें करने हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा अगर आप चाहो तो गरम मसाला उसमें डाल दीजिए, और इन सारे मसालों को अच्छे से हमें मिला देना है। और सबसे आखिर में इसमें थोड़ी सी हमें चीनी डालनी है। चीनी डालने से हरा कलर भी बना रहेगा, और खाने में ना स्वाद बैलेंस हो जाता है, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी इसे मैं अच्छे से चीनी डालने के बाद अच्छे से फिर से मिला दूंगी, और ढक के फिर से उसे पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि ये सब्जियाँ मैं सूखी ही बना रही हूँ, उसमें पानी नहीं है, इसीलिए बीच में चलाते रहना ज़रूरी है। अभी जो बीन्स की सब्जी हमने रखी थी उसमें मैं थोड़े से आलू गल गए हैं, तो मैंने नमक और बाकी जो रूटीन के सारे सूखे मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला एकदम चुटकी भर सा, और मसाले डालने के बाद अच्छे से उन्हें मिला दिया है। और अभी इसमें भी मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी, और उसके बाद फिर से इसे अच्छे से मिला दूंगी, और ढक के फिर उसे पकने के लिए रख दूंगी। बीच में इस तरीके से चलाने से ना आलू नीचे चिपकेंगे भी नहीं, और सब्जी में अच्छे से सारा मसाला लग जाएगा। तो अभी मैंने उसे पकने के लिए रखा है, और यहाँ पर साथ ही साथ मैं आटा फिर से गूंथना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बीच में दूसरे बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो एक काम के पीछे हम लग नहीं पाते हैं। यहाँ पर मुझे बीन्स की सब्जी में से खुशबू आने लगी, इसीलिए मैंने उसका गैस बंद कर दिया।
लिया है और हमारी मेथ की सब्जी तैयार है और साथ ही साथ शिमला मिर्च वाली सब्जी भी तैयार हो गई है। तो देखिए शिमला मिर्च की सब्जी भी तैयार हो गई, उसमें मैंने धनिया पत्ती डाल दी और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी और बच्चों को और हम सबको बहुत पसंद आई। और ये बीन्स की सब्जी है, ये सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी थी और मैंने इसमें भी धनिया पत्ती डाल दी है। और धनिया पत्ती डालने से ना सब्जी बहुत ही अच्छी दिखती है और खाने में है ना ऐसे मन हो जाता है उसे खाने का। आप ये टिफिन के लिए ज़रूर से बनाइएगा, ये टिफिन के लिए बेस्ट रेसिपी है। और यहाँ पर आटा भी गूंथ के मेरा तैयार हो गया है, तो अभी मैं फटाफट से भाकरी बना लूँगी। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किचन कितना फैला पड़ा है, अभी मुझे इन सबको खाना हो जाने के बाद समेट लेना है। और बस मैंने भाकरी बना के सबको खाना खिला दिया है और सबसे आखिर में अभी मैं खाने के लिए बैठी हूँ और सबको मैंने छाछ बना के दी थी। सब्जी के साथ छाछ बहुत अच्छी लगती है और मैंने थोड़ा सा दही लिया था, मेरा छाछ पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बस मैं भी अभी खाने को एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।